ऐसे थोड़े ना, आप तो दिख भी नहीं रहे। अब बोल दो, ब्लेस यू। ठीक हो? हैप्पी बर्थडे। ठीक छे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेबी। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी मदर्स डे। आज है मदर्स डे और फिलहाल तुम्हारा बहुत ही बड़ा प्लान नहीं है। आज मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे भी है तो वो भी हमें सेलिब्रेट करना है और आज वोट भी डालने जाना है तो फिर बिजी दिन है। यस वोट तो काफ़ी बिजी दिन है। अभी देखते हैं शाम को बता दो सबको कि वोट डालना है। क्या कहती? हाँ तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है मदर्स डे स्पेसिफिक कि क्या करना है क्योंकि आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। पहले अच्छी देखते हैं, कुछ ना कुछ टाइम तो निकालते ही है थोड़ा सा अरेवीर के साथ स्पेंड करने के लिए। हेलो, हम लोग आ गए हैं बाहर मेरे हस्बैंड एंड अरेवीर के साथ। ये दोनों मुझे ले जा रहे हैं थोड़ा सा घूम घूम करके फॉर मदर्स डे। हम लोग जा रहे हैं डियर पार्क जो दिल्ली में है। हम लोग पहले भी जा चुके हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो स्पेस। जाके दिखाती हूँ आपको कैसा है अगर आपने पहले नहीं देखा तो। पार्क के जिस बगल में हाउस कास्ट का मॉन्यूमेंट है वहाँ छोटा सा लेक भी है, तो आरवीर को वो दिखा रहे हैं। हाँ, आई थिंक लेक एंड मॉन्यूमेंट आरवीर पहले नहीं आया है, जब आया होगा तो बहुत छोटा होगा तो वो काफ़ी एक्साइटेड है और बहुत भाग रहा है। बिकॉज इट्स वेरी डर्टी बेबी। एक यहाँ छोटी सी स्टीप हिल है, ये दोनों क्लाइंब कर रहे हैं बट मैं नहीं कर रही बिकॉज थोड़ा थक गई हूँ। ऑब्वियसली विद द प्रेगनेंसी इतना ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकती, करती नहीं हूँ। बट अभी हम लोग सोच रहे हैं आरवीर के सामर हॉलीडेज में कि वॉकिंग करें क्योंकि मुझे भी करनी है एंड देन ऑब्वियसली एक्सरसाइज बेटर आरवीर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्या रहता है। आरवीर वापस आ रहा है, उसको पता चल गया मम्मा नहीं आ रही। देखो काट हार के दोनों के दोनों। हेलो हेलो, आपको मजा आया? अब आपको बेंच पे बैठना है। मजा आया आपको? अपने लेग्स से, लेग्स को किक करके आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो मम्मा खरीदेगी, बट आप मम्मा को दिला रहे हो मदर्स डे का। मम्मा अपने आप के लिए थोड़ा ना खरीद रही है। अरे आरवीर के साथ आरवीर का बेबी भी ना है। मदर्स डे स्पेशल। लास्ट क्लिप आपने देखा होगा, आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने कौन सा किया था, बट आई थिंक हम लोग फ्लावर्स ले रहे थे फॉर मदर्स डे। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। हम लोग घर आए, आप मेरी मदर इन लॉ को, दादी को फ्लावर्स दिए, अपने आप को फ्लावर्स दिए। मेरी सिस्टर इन लॉ आई, उसका बर्थडे था, वी कट द केक एंड एवरीथिंग। फिर वोट डाले गए, फिर उसके बाद लाइक मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम तबीयत थोड़ी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। ऐसी होता है रैंडमली, कभी भी तबीयत खराब हो जाती है, नोजिया हो जाता है, टायर्डनेस हो जाती है, आई जस्ट फील लाइक कि बस सोती रहूँ सोती रहूँ सोती रहूँ। नोजिया अभी तक आई डोंट नो क्यों तंग कर रहा है मुझे। आज है थर्सडे, वेंसडे, आज है वेंसडे,
तो आज अभी डॉक्टर के पास जाना है मुझे, मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ऑलरेडी, तो उनसे पूछती हूँ कि नौजिया अभी तक क्यों हो रहा है क्योंकि होना नहीं चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जनरली नौजिया नहीं होता है, एंड आरईवी के टाइम तो मुझे नौजिया हुआ ही नहीं था. सो डॉक्टर से पूछती हूँ क्या हुआ. तो बेसिकली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर नेक्स्ट डे उस दिन रात को 3 बजे आरईवी के कान में दर्द स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों. फिर पूरी रात हम जगे रहे, वो सो नहीं पाया था, लेट नहीं पा रहा था, उसको गोदी चाहिए थी, तो हम बैठे बैठे किसी तरह मैं सो रही थी, उठी हुई थी. फिर सुबह तक उसके दोनों कान में दर्द स्टार्ट हो गया, फिर मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि नेजल ड्रॉप्स डालो उससे ठीक हो जाएगा, तो उससे ठीक हो गया, बट उसको फीवर हो गया, फिर पूरे दिन फीवर रहा. तो ना मेरी वाट लगी हुई थी बिकॉज ऑब्वियसली उसकी तबीयत खराब थी आरईवी की, तो वो प्रायोरिटी था, मेरी तबीयत तो बाद में आती है. उस टाइम मैं यही सोची थी यार तुम यार एडवाइस करो प्लीज़, जिनके 2 बच्चे हैं, कि हाउ डू यू मैनेज, लाइक जब एक बच्चा बीमार होता है तो अब दूसरे का कैसे हैंडल करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब आरईवी की तबीयत खराब होती है वो मेरे पास ही रहता है, वो किसी और के पास नहीं जाता है. एंड आई डोंट ब्लेम हिम, इवन जब लाइक सुबह जब आरईवी पूरी रात में गोदी में बैठा रहा, हम लोग बैठे रहे, नींद मतलब हम सो नहीं पाए, तो मुझे भी सुबह हो रहा था यार मम्मा पास जाना है. तो ऑब्वियसली वो तो 3 साल का, मैं तो 30 ईयर्स की, मुझे फिर भी मम्मा पास जाना है. तो लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि जब बच्चा बीमार होता है उसे मम्मा ही चाहिए, उसे कोई और नहीं चाहिए, बट देन फिर दूसरा बेबी लाइक वो भी तो छोटा ही है ना, लाइक इवेंचुअली नेक्स्ट ईयर, अभी मैं रियलाइज कर रही हूँ जब अक्टूबर में बॉर्न होगा उस टाइम गोल्डन कप सीजन होता है, तो ऑब्वियसली उस टाइम के अराउंड आरईवी एक दो बार जरूर बीमार पड़ेगा, बिकॉज सारे बच्चे पड़ते हैं गोल्डन कप सीजन में, स्कूल जाते हुए बच्चे हमेशा बीमार पड़ते हैं. तो आई डोंट नो हाउ दिस विल वर्क, या तो छोटे वाले को कोई और संभाले, बट अगर उसे दूध पीना है या कुछ करना है तो ऑब्वियसली वो मेरे पास आएगा या आएगी, आई डोंट नो यार. दैट्स प्लीज एडवाइस मी, जिनके 2 बच्चे हैं आप लोग कैसे मैनेज करते थे, लाइक जस्ट जो भी टिप्स दे सकते दे दो यार. एनी वेज आई एम सॉरी ये ब्लॉग बीच में कट ऑफ हो गया एंड मैंने पोस्ट नहीं किया मंडे को, इज जस्ट दैट यार तबीयत ऐसी है, आज ब्लॉग्स ऐसे आएंगे. तो मेक श्योर यार नोटिफिकेशन आर ऑन, वो बेल बटन दबा दो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर मुझे फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ अबाउट एनी अपडेट्स दैट हैपन. यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे भी करती हूँ बट कभी कभी सब लोगों के पास कम्युनिटी पेज के नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, आपने बेल नोटिफिकेशन दबाया हुआ है ऑन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब किया हुआ है ऑब्वियसली, सो दैट वेन एवर अ न्यू वीडियो कम्स अप आप लोगों को उसके बारे में पता चले. ये भी मिंत्रा की कुर्ती है जो मैंने मंगवाई थी, मिंत्रा वाला वीडियो मुझे करना है, बट जस्ट यू नो मैंने सारी इकट्ठी कर रखी थी एक जगह कि मैं बनाऊंगी वो वीडियो, इस हफ्ते बनाना था बट वो अभी हो नहीं पाया, बट वो वीडियो इज कमिंग अप वेरी वेरी सून. So I hope you guys wait for it and I will see you guys very, very soon.